उत्तर प्रदेश फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सांकेतिक भाषा को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने की मांग की है। दिव्यांगों ने अपनी इस मांग को लेकर कुंवर दिग्विजय सिंह स्टेडियम से 1090 तक शांति मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने को लेकर आदेश अपने सभी विभागों जिला कलेक्टर को साझा करें, जिससे कि दिव्यांग समाज को अलग पहचान मिलेगी और अधिक से अधिक आगे बढ़कर सभी सरकारी विभागों में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। मैं सांकेतिक भाषा का अनुवादक हूँ। मैं यहाँ यूपी के अंदर जितने भी ये जो डेफ यहाँ पे आए हैं, यूपी डीएफ प्लस DWWF और अलग अलग एनजीओ से जो डेफ सारे यहाँ यूपी से आए हैं, यहाँ पे इनका आने का जो एम क्या है कि ये इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लस यूएनओ ने जो साइन लैंग्वेज को अप्रूव किया है, तो हमारी मांग है कि नेशनल लेवल पे ISL को भी एक्सेप्टेंस मिले कि वो एक लैंग्वेज है, और इसी के लिए ये हमने शांति मार्च निकाला है। ये गवर्नमेंट से बड़ी खुशी है कि आज दिव्यांगजनों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया नाम दिया दिव्यांगजन, सम्मानजनक शब्द का उच्चारण हुआ, उससे आज दिव्यांगजनों में एक जन जागृति हुई, जिसके उपलक्ष्य में सांकेतिक भाषा दिवस के रूम में आज 23 सितंबर को इन लोगों ने KD सिंह बाबू स्टेडियम से पैदल शांति मार्च उत्तर प्रदेश मूक बधिर फाउंडेशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश के हर जनपद के हजारों की संख्या में मूक बधिर दिव्यांगजन बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। इनकी मांग है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सांकेतिक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया जाए।